कलश तो निश्चित ही आंखों में आएगा। द्वार बंद मत करो, भोर रसवंती आएगी। कभी न सतवं, कभी न सतवंती, किरणों का चलन बदलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। मत दो तुम आवाज, भीड़ के कान नहीं होते, क्योंकि भीड़ में सबके सब इंसान नहीं होते। मोती पाने के लालच में नीचे मत उतरो, एक गीत से, एक गीत से पीराओं का पर्वत गलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। रात कटेगी कहो कहानी राजा रानी की, करो ना चिंता जीवन पथ में गहरे पानी की। हंसकर तपते रहो छांव का अर्थ समझने को, अश्रु बहाने से न कभी पाषाण पिघलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। रात रात भर साइक्लोन उम्फन अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदला, आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल तट से टकरा सकता है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में चक्रवात से निपटने की तैयारी पूरी, 50 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उम्फन की तैयारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कैबिनेट सचिव ने भी राज्यों के साथ की समीक्षा। हालात से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात, नौसेना और वायुसेना भी तैयार, ऊर्जा और दूरसंचार ने भी की पूरी तैयारी। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंची, पीएम मोदी ने कहा ये है गर्व का विषय। लाभार्थियों को दी शुभकामनाएं और डॉक्टर नर्स समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सराहा। भारतीय रेल लेकर आई राहत का पैगाम, 2 दिन के भीतर श्रमिकों के लिए ट्रेनों की संख्या दोगुनी करने का फैसला। श्रमिकों को नजदीकी स्टेशन ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। 1 जून से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेन, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग।
भारत में कोविड 19 के ताजा आंकड़े जारी, संक्रमण के 61,149 सक्रिय मामले, स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 42,297 जबकि 3,303 लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 48,97,000 के पार जबकि 3,23,000 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका में सबसे अधिक 35,000 से अधिक मौतें, रूस में करीब 3,00,000 तक पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और सबसे पहले बुलेटिन में बात कर लेते हैं उम्फन की, जो ओडिशा तट के करीब पहुंच चुका है और उसके असर से वहां कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। आज दोपहर शाम तक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के बीच दीघा और हटिया द्वीप से इस तूफान के गुजरने का अनुमान है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से तेज हवा के साथ तेज बारिश की चेतावनी है। हवाओं की गति लगातार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो बीच बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इस रफ्तार की तेज हवाओं से काफी ज्यादा नुकसान की आशंका है। हालांकि केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के साथ मिलकर आने वाले उम्फन तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की और उन्हें महाचक्रवात उम्फन से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अभी तक दोनों राज्यों के तटीय जिलों से 50,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की करीबन 41 टीमें तैनात हैं। 50,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक जो बल हैं वो अलर्ट पर हैं। बिजली विभाग ने भी कमर कस ली है ताकि बिजली आपूर्ति को पूरा किया जा सके। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों को मदद का भरोसा दिया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जैसा कि हमने आपको बताया कि बारिश शुरू हो गई है और ये जो महाचक्रवात है ये ओडिशा तट के करीब पहुंच चुका है, वहां के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। आज दोपहर शाम तक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के बीच दीघा और हटिया द्वीप से इस तूफान के गुजरने का अनुमान है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं रिजवाना अख्तर। रिजवाना, लगातार हम सुबह से आपसे अपडेट्स ले रहे हैं और जिस तरह का अपडेट अब है वो ये है कि जो ओडिशा तट है उसके काफी करीब पहुंच चुका है ये उम्फन महाचक्रवात के रूप में और बहुत से हिस्सों में वहां पर बारिश शुरू हो गई है। किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर है और जो एनडीआरएफ की टीमें हैं किस तरह से स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कर रही हैं काम? अभी की ताजा स्थिति यही है कि पारादीप जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है। यहाँ करीब 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और विंड स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर है। इसके साथ केओंझर, केंद्रापाड़ा, पार्ट्स ऑफ मयूरभंज और बालासोर में भी बहुत जोर से बारिश और हैवी विंड्स की खबर मिल रही है। कई जगहों में बड़ी पेड़े जो है वो गिर चुकी हैं और एनडीआरएफ और ओडीआरएफ के साथ साथ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वो रेडी है, हर ब्लॉक पे रखा गया है ताकि जितने जल्दी हो रोड कम्युनिकेशन को क्लियर किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा अभी कि अभी नेक्स्ट 6 घंटा जो है वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इस 6 घंटा में ये जो है उम्फुन उड़ीसा तट तक को क्लियर कर देगी। अभी रिपोर्ट आई है कि एक छोटी बच्ची भद्रक में, लेकिन अनकंफर्म है, ऑफिशियल सोर्सेस से अभी तक पता नहीं चला है कि कच्चे घर की ढह जाने के वजह एक बच्चे की मौत हुई है। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन यही कोशिश कर रही थी कि सारे लोग जो कच्चे घर में हैं और सी कोस्ट के करीब में हैं उन सबको इवैक्यूएट किया जाए। कल देर रात तक इवैक्यूएशन चल रही थी, आज सुबह से भी
इवैक्यूएशन चल रही है। करीब 1,40,000 लोग इन चार डिस्ट्रिक्ट में उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है साइक्लोनिक शेल्टर में और पंचायत हाउसेज में जो अभी टेम्परेरी साइक्लोनिक शेल्टर बने हुए हैं, लेकिन ये एक अनकन्फर्म रिपोर्ट अभी आई है, इसे अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, लगातार आप इस पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ दीघा से भी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनिमृतो। इस पर अगर दीघा के हालात की बात की जाए, किस तरह से वहां पर माहौल है, क्योंकि हम लगातार सुबह से आपसे अपडेट्स ले रहे हैं, बारिश का माहौल वहां पर भी बताया जा रहा है, किस तरह से काम किया जा रहा है एनडीआरएफ द्वारा वहां पर? Absolute turbulent situation is prevailing right at this point of time at Digha. The sea surface has become, you know, rough, and as you know, all the coastal belts of West Bengal is put on high alert, and all the stationary and cautionary signal has been sounded here at Digha. Under the influence of the super cyclone Amphan, incessant rainfall is happening to take place. Windy situation is prevailing here. The people who are living in the kachcha houses and the thatched houses were removed. They are vacated. They were taken to secured cyclone shelter. And you know, the NDRF and SDRF, they are acting in coercion. They are constantly doing the miking, and you know, advisory has also been given and asking the people not to come outdoor. You know, asking them repeatedly to remain indoor. That is the advisory has been given. And you know, the biggest challenge that the administration is facing this time is the COVID-19 issue, because of this thing, you know, social distancing is to be made. So the people who have been taken at the secured shelter, they are also the social distancing are to be made. So the administration here has requisitioned several, you know, schools and even hotels. We absolutely Digha right at this point of time is wearing a bleak look. No tourist is here, and at this time tourists used to crowd this place, but because of this COVID-19 issue, no tourist is here. This is indeed the biggest advantage of the administration. So they have kept ready of the several hotels where if the time demands, the people will be taken to give shelter at the hotels too. In other words, you know, all the, you know, foodstuffs have been kept ready, dry foods have been made ready, and packed mineral waters that have been kept ready, tarpaulin has been ready. So all precaution has been taken, and the administration is, you know, keeping their finger crossed at what time the super cyclone Amphan will make a landfall. बिल्कुल, और लगातार इसी पर बातचीत करने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहे हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता ममिता भी जुड़ी हुई है। ममिता, कोलकाता की अगर बात की जाए, किस तरह से वहां पर अभी माहौल है? हम जानते हैं कि महाचक्रवात को लेकर वहां पर भी स्थानीय प्रशासन जो है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार पुरजोर तैयारी कर रहा है, ताकि जो सबसे अहम प्रतिबद्धता है कि जान माल को नुकसान ना हो वो ना हो। जी हाँ, अगर हम बात करें कोलकाता की, अभी हम मौजूद हैं कोलकाता के शहर में, और सुबह नहीं मध्य रात्रि से ही यहाँ पे जो कंडीशन है वेदर की, वो काफी खराब की तरफ जा रही है। ये काफी भारी परिमाण में बारिश और हवा के चलते यहाँ पे अभी तक तो कुछ मतलब कुछ दिखाई वैसा दे नहीं रहा है कि रस्ते में जो है लोगों को घर में रहने की एडवाइसरी जो कल जारी किया गया, लोग अपने घर में रहे। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है, लोग अपने घर में सुरक्षित रहे, या फिर जो ऑफिसेस है या फिर जो खुले गए हैं, 2-3-4 ऑफिसेस जो खुले हैं, वो सब भी आज के दिन बंद रहे, क्योंकि जो ये चक्रवाती तूफान है जो करीबन 4 से 8 बजे तक बजे में के बीच जो पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज है वहां ये आके टकरा सकती है। तो उसी के चलते कोस्टल एरियाज में तो लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं, लेकिन जो उसके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स है या फिर जैसे कोलकाता हो गया या फिर उत्तर 24 परगनास हो गया या फिर हावड़ा हुगली हो गया, वहां पे प्रशासन पूरी अपनी निगरानी रख रही है। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 24 घंटे अलर्ट कर चुकी है, जो ब्लॉक ऑफिसर्स है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है या फिर जो ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए बोला गया है।
ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। इवैक्यूएशन की अगर हम बात करें उन कोस्टल एरियाज की, तो करीबन लाखों के तादादों में लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे होटल्स या फिर जो राहत शिविर है या फिर स्कूल्स है वहां पे लोगों को रखा जा रहा है। हेलो जी, जी मैं आपकी बात सुन पा रही हूँ। लोगों को वहाँ पे राहत शिविरों में हाँ रखा जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कंडीशन जो वेदर कंडीशन की हम बात करें, तो मौसम की हालात वो काफी गंभीर हो रही है। धीरे धीरे जो अनुमान लगाया गया था आईएमडी और मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि हैवी टू हैवी बारिश यहाँ पे हो सकती है, जो हवा की स्थिति है वो काफी जोर से बह सकती है। तो ये मध्य रात्रि से ही देखा जा रहा है जो वेदर कंडीशन वो काफी टाइम टू टाइम ये इंक्रीज हो रहा है, ये रैपिडली चेंज हो रहा है यहाँ कोलकाता में और जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें ममिता, हम आपसे आगे भी इस पर बात करेंगे। लेकिन हम वापस चलते हैं रिजवाना के पास। रिजवाना, हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जब हम बात करते हैं भुवनेश्वर की, किस तरह से वहां पर कार्य किया गया ताकि जो तमाम लोग हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, वहां पर किस तरह से उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? जी अंचल, एक्चुअली ओडिशा के जो चार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है ये अम्फन के वजह से। और इन सभी एरिया में साइक्लोनिक शेल्टर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। हालांकि जगह कम है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है कि डिस्टेंस, और ये यही कारण भी हो रही थी कि इवैक्यूएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि कई लोग कोविड की वजह से वो जाना नहीं चाहते थे साइक्लोनिक शेल्टर में, लेकिन उन्हें फिर समझाया गया कि आप साइक्लोन से कोविड से बचेंगे तो फिर साइक्लोन से आपको क्षति हो सकती है। तो फिर लोग कल देर रात से आना शुरू करते हैं। अभी बालासोर मयूरभंज में जो एसआरसी अभी ने बताया, अभी कुछ समय पहले बताया कि लोग वॉलंटरीली आ रहे हैं क्योंकि विंड स्पीड काफी बढ़ रही है, तो थैश घर तो कच्चा घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे हर साइक्लोनिक शेल्टर्स में मास्क की व्यवस्था है, स्क्रीनिंग की, मेडिकल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था है और सैनिटाइजेशन की है। और जितना ज्यादा है कि जगह में लोगों को कहा गया है कि जितना हो सकता है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए और लगातार इन लोगों को अपडेट्स भी दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। और ये भी उन लोगों को कहा गया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है पूछिए, क्योंकि हर साइक्लोनिक शेल्टर में इस बार इन्होंने एक नया चीज किया है कि एक नोडल ऑफिसर जो कि एक सरपंच हो या स्कूल की एक टीचर हो उन्हें रखा गया है, जो कि सीधा उनसे पूछ सकते हैं और वो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तो ब्लॉक लेवल में वो अपना क्वेश्चन जो भी है पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और जहां तक पेड़ और ये पावर सप्लाई की बात है, तो हर ब्लॉक में अभी एनडीआरएफ ओडीआरएफ मौजूद है इन फोर डिस्ट्रिक्ट्स में, और जहां उनके पास सारे वो टेक्निकली हाईटेक मशीन और ये है कि अगर कोई ट्रीज अपरूटेड हो, रोड कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो इमीडिएटली रिस्टोर करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अगर इन द वर्स्ट केस 6 घंटा के अंदर हम रोड कम्युनिकेशन को रिस्टोर कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि इस तरह का चक्रवात जब होता है रिजवाना, तो कहीं ना कहीं बिजली भी प्रभावित होती है। इसमें बिजली विभाग ने किस तरह से तैयारी करी है, किस तरह से अपनी कमर कसी है ताकि बिजली आपूर्ति को लेकर कोई दिक्कत लोगों को ना आए? अंचल, ये पिछली साइक्लोन जो है फनी से ये बहुत बड़ी सीख मिली थी ओडिशा गवर्नमेंट को कि बिजली की जब खूंट गिर जाती है और अपरूट कर हो जाती है तो उनको लगाने में बहुत देर होती थी। इस बार इन्होंने मोबाइल जितना पावर सप्लाई को मोबाइल इसके तरफ से वो उन्होंने सब जगह पे भेज दिया है पहले से, सो दैट जैसे ही अगर उनको खबर मिलती है कि एक अपरूट हुआ है तो वो लोग जाके वहाँ पे लगा सकते हैं, कि ऑलरेडी ब्लॉक लेवल्स में स्टॉक कर दिया गया है पावर ये सप्लाईज के लिए। उन लोग दे आर रेडी कि उस एरियाज में जहाँ पावर सप्लाई हैज बीन डिस्ट्रप्टेड वो लोग इमीडिएटली जाके दे कैन रिस्टोर इट। उसके अलावा सारे साइक्लोनिक शेल्टर्स में जेनसेट, डीजल जेनसेट रखा गया है, सो दैट उस एरियाज में साइक्लोनिक शेल्टर्स में स्पेशली कहीं डार्कनेस ना हो।
बिल्कुल रिजवाना, आप हमारे साथ बनी रहे। हमारे साथ दिल्ली से तापस भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं। तापस, जिस तरह से हम जानते हैं कि केंद्र के साथ साथ जो तमाम दोनों राज्य सरकारें हैं वो मिलकर काम कर रही हैं ताकि इस तरह के चक्रवात से निपटने के लिए कमर कसी जा सके, किस तरह से खाका तैयार किया जा रहा है, किस तरह से प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि जब इस तरह का चक्रवात होता है तो प्रतिबद्धता यही है कि किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। चाहे हम एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम करने का जिक्र करें, एसडीआरएफ की बात करें, तमाम जो सेना बल है उनके साथ मिलकर काम करने का जिक्र करें। जी, आपने सही कहा, क्योंकि लोकल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को मिलकर इसमें काम करना होता है। और जो सबसे अहम, सबसे पहले जो अहम बात होती है वो है ट्रैकिंग की, कि मॉनसून की जो ट्रैकिंग है पिछले 5-7 साल में जो हमने देखा है, जिस तरीके से डॉपलर रडार से उसकी ट्रैकिंग हो रही है, और चाहे वो बे ऑफ बंगाल के एकदम नीचे से अगर होते हुए आ रहा है थाईलैंड के बाद से, जो उसका जो पूरा ट्रैकिंग है अभी तक का वो इतना सटीक रहा है कि उसकी वजह से जो सटीक इंफॉर्मेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रहा है, और उस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ले पा रहा है डिसीजन कि इस जगह से, ऐसे ऐसी जगह से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। क्योंकि पहले से ही वार्निंग आईएमडी ने जारी कर दी थी कि शायद ये वेस्ट बंगाल के नॉर्थ साउथ परगना और मिदना ईस्ट वेस्ट मिदनापुर और सुंदरबन का इलाका जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको सहूलियत मिली एनडीआरएफ और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी है उनको, कि लोगों को इवैक्यूएट करने में। अगर ये ना मिलता तो शायद बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, क्योंकि लास्ट 1999 में जो सुपर साइक्लोन आया था उसमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था, बहुत से लोगों की जाने गई थी, बहुत से जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉयड हुए थे इसी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे शायद ठीक से ट्रैकिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन आज इस वक्त 2020 में हमारी जो साइंस है इतनी प्रगति कर ली है, डॉप्लर रडार से हम लोग पूरा, जो आज की डेट में जो सबसे उन्नत रडार है उससे हम लोग पूरा पता कर पाते हैं, ना सिर्फ जमीनी तौर पे बट जहाँ पे समुद्र में भी जहाँ पे ये साइक्लोन उत्पन्न होता है वहां से, जिस तरीके से अभी जो इस वक्त का अभी सबसे बड़ा जो है, जो अभी इस वक्त 10 बजे के करीब आईएमडी ने अपना बुलेटिन जारी किया है, उसके मुताबिक इस वक्त जो आपका जो साइक्लोन है वो 123 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप पे और 177 किलोमीटर साउथ ईस्ट दीघा पे इस वक्त है, और इसकी जो स्पीड है वो इस वक्त नापी गई है 165 से 175 और किलोमीटर पर आवर, और 190 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग हो सकती है, इसकी स्पीड बढ़ सकती है। तो और इसका जो अभी इस वक्त पारादीप और जो आसपास के जो इलाके में है उसका करीब करीब 190 से 120 तक इसकी स्पीड नापी जा रही है। तो ये जो विंड स्पीड कही है, ये जो इसका जो ट्रैकिंग, जिसका जो जो पूरा जो तरीका जहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक का जो पूरा ट्रैकिंग है वो एक तरह से एक अहम भूमिका, बिल्कुल बहुत अहम। आपने कहा कि जो बुलेटिन जारी किया गया है आईएमडी द्वारा उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि तीव्र हो सकता है और तीव्र हो रहा है तूफान। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, अनिमृतों का दीघा से जुड़ने के लिए, रिजवाना का भी, और साथ ही साथ ममिता का कोलकाता से जुड़ने के लिए। आप तीनों का, आप सभी का शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत योजना की, जिसका लाभ लेने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई। इसकी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस पर खुशी जताई और कहा कि हर भारतीय को ये जानकर गर्व होगा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। 2 साल से भी कम वक्त में इस प्रयास से कई लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पीएम ने सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय को जानकर गर्व होगा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 साल से भी कम वक्त में इस प्रयास से कई लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। साथ ही पीएम ने डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मचारियों और आयुष्मान भारत से जुड़े सभी लोगों की सराहना की और कहा कि उनके प्रयासों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बना दिया। इस पहल ने कई भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों और दलितों का विश्वास जीता। आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ पोर्टेबिलिटी है। लाभार्थी न केवल जहां वो पंजीकृत है बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी उच्च गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकता है।
और इसी पूरी जानकारी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधाकर, जिस तरह से हम इसे एक उपलब्धि मान सकते हैं जब हम आयुष्मान भारत के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी ताकत अगर इसकी देखी जाए तो वो पोर्टेबिलिटी है कि जहां पर आप पंजीकृत है वहां तो आप इलाज करा ही सकते हैं, लेकिन भारत के किसी भी हिस्से में जाकर आप इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, और आंचल करीब सितंबर 2018 में ये लॉन्च हुआ था, करीब 1.5 वर्षों में 1 करोड़ बेनिफिशियरी तक पहुंचना इसी तरीके से मुमकिन हुआ है। खासतौर से पोर्टेबिलिटी कार्ड आपका कहीं भी बना हो, किसी राज्य में इश्यू हुआ हो, लेकिन आप इलाज कहीं भी करा सकते हैं। देश के किसी हिस्से में अगर आप बीमार पड़े हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक तरह से ये देश के 50 करोड़ भारतीयों का, 50 करोड़ देशवासियों का भविष्य सुरक्षित बनाता है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करता है, और इतना बड़ा भरोसा शायद ही किसी और चीज से देशवासियों को मिलता होगा। 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा, बिना किसी चिंता के आप सिर्फ जाके अस्पताल में भर्ती हो जाइए, इतना ही आपको करना है। और गरीबों को इस तरह की मदद मिली है, और देखिए इसी वजह से इतने सारे लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया, 1 करोड़ की ये संख्या पहुंच गई है, और अभी करीब 12.5 करोड़ लोगों को जो कार्ड हैं वो इश्यू हो चुके हैं, और लगातार कोशिश जारी है कि हर व्यक्ति तक जो 50 करोड़ हितधारक हैं इसके, उन तक कार्ड पहुंचाया जाए। देश भर में 25,000 से ज्यादा अस्पताल, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हर राज्य में 800-900 अस्पताल जो है इस योजना से जुड़े हुए हैं, और हर जिले में 5 से 7-10 अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप कहीं भी बीमार पड़ते हैं तो वहाँ आयुष्मान भारत का एक अस्पताल है, उससे जुड़ा हुआ एक अस्पताल है, वहां जाके ये तमाम गरीब अपना इलाज करा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी मदद, और एक तरह से इसकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर जो गरीबों का खर्चा होता था उसमें एक बहुत बड़ी कह सकते हैं बचत हुई है, और इसकी इसकी तारीफ एक तरह से दुनिया के, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, तमाम एजेंसियों ने की है, जिस तरह का ये दुनिया का एक बिल्कुल का सबसे बड़ा कवर देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के। लेकिन हमारे साथ नितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता नितेंद्र। हम जानते हैं कि जिस तरह से आयुष्मान भारत की जो योजना है, इसके जो लाभार्थी हैं वो 1 करोड़ की संख्या को तो पार कर ही गए, लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रयास से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, खासतौर पर जब हम बात करते हैं उस हाशिए पर पड़े समाज के लोगों की, जिनके लिए चिकित्सा काफी महंगी मानी जाती थी, उनके लिए अब चिकित्सा कहीं ना कहीं बहुत सस्ती होती हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब जो थे, इलाज से जब उनको बीमार पड़ते थे तो इलाज के दौरान जो कुछ भी उनके पास होता था, चाहे वो घर हो या फिर जमीन हो या फिर जेवर हो, वो उनको बेचना पड़ता था इलाज के लिए, और जितना भी उनके पास रहता था, और अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उनके पास कर्ज में भी वो पड़ जाते थे। तो ये तमाम जो मुश्किलें थी इनको दूर करने में कामयाब रहा है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और जिसके वजह से अब गरीबों को कम से कम अपने घर, जमीन और जेवर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उनका मुफ्त में इलाज होता है, और 5 लाख तक का सालाना कवर उनको मिला हुआ है इसके लिए। अभी मैं बताना चाहूंगा, जो कोरोना वायरस का भी काल चल रहा है तो इसमें भी उनको, अगर कोई गरीब जो आयुष्मान भारत का लाभार्थी है, जो इसके पास कार्ड है, अगर वो बीमार पड़ते तो उनका भी मुफ्त में इलाज हो रहा है। जितने भी अस्पताल है, तकरीबन 25,000 से ज्यादा अस्पताल है देश भर में, उनको इंटरनेट किया गया है। तो एक अच्छी बात यह भी है कि कोरोना वायरस भी इसके इलाज के दायरे में है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि औरतों को हड्डी से रिलेटेड बीमारी हो या दिल से रिलेटेड बीमारी हो या फिर कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का भी मुफ्त इलाज होता है इसके अंदर। तो अगर कैंसर किसी को हो या फिर गंभीर बीमारी हो जिसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है लोगों का, वो भी इसके अंदर कवर है। तो इसमें कम से कम जो 1 करोड़ की बेनिफिशियरी है उनमें से मैक्सिमम लोग जो है इन्हीं बीमारियों का इलाज कराता है, और उनका सकुशल और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का अच्छे अस्पतालों में इलाज होता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट की बात है कि अगर आप किसी एक राज्य में आप एनरोल हैं, आपका नामांकन है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य में किसी काम के सिलसिले में या किसी वजह से गए हैं, वहां बीमार पड़ गए, तो दूसरे राज्य में भी आपका इलाज होता है। तो ये पोर्टेबिलिटी की जो सुविधा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात को लेकर के, खासतौर पे इसकी जो एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो है। उसके अलावा
प्रधानमंत्री ने ये भी तारीफ की है उन हेल्थ केयर वर्कर्स को जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दुनिया के इस सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना को जो बीमा योजना है उसको सफल बनाने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, खासतौर से गरीब तबके के लोग जिनको की ये उम्मीद नहीं थी कि हमें इस तरह का लाभ मिलेगा, उसको अगर उनका विश्वास जीता गया है तो निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय कदम है। और आगे आने वाले महज ये 2 साल में ऐसा हुआ है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ है और आगे ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। बिल्कुल, तो आयुष्मान भारत की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है ये योजना। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी।